ओके गुड न्यू ऑल ऑफ यू एम आई ऑल गुड इवनिंग आर्यन गुड इवनिंग वेदांति गुड इवनिंग टीशा गुड इवनिंग तेजस्विनी गुड इवनिंग सितीश गुड इवनिंग ईश्वरी ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं अभी गुड इवनिंग साहिल तो अभी हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा फोटोसिंथेसिस जो है इसमें एक तो ऑस्मोसिस क्या होता है वो हम समझेंगे और ऑस्मोसिस के साथ ही साथ डार्क रिएक्शन मीन्स बायोसिंथेटिक फेज़ जो होती है जिसमें एटीपी और एनएडीपी का जो यूज़ होता है कैसे होता है ये हम लोग आज के इस सेशन में देखने वाले हैं ठीक है तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोग अभी जो है क्या चीज़ बेटा केमियोसमोसिस जो है ये हम लोग देखने वाले हैं तो केमियोसमोसिस जो है ये जो हाइपोथेसिस जो है यदि हम देखें तो इसमें हम लोग जो है कि कैसे एक्चुअली एटीपी का सिंथेसिस होता है इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तो एटीपी के सिंथेसिस का जो कन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे समझना है ओके okay. जिसमें यदि हम लोग देखें तो पहली चीज़ तो इस फिनोमिना को इस कंसेप्ट को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया है सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को ये जानना है ओके okay. फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कंसेप्ट है जिसकी हेल्प से यहाँ पे फाइनली एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है वो हम देखेंगे तो पहली चीज़ तो देखिए बेटा ये जो केमीओसमोसिस जो आप देख रहे हो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मिटचेल या माइकेल भी कहते हैं इसे ओके okay, इन्होंने क्या चीज़ डिस्कवर किया है इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो ये एक्चुअली कैसे होता है और उससे ए सिंथेसिस कैसे होता है ये यहाँ पे बताया है तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है मीन्स यहाँ पे होता है ऑस्मोटिक वर्क ओके okay. और ऑस्मोटिक वर्क जो होंगे जिसमें क्या हो रहा है पंपिंग हो रहा है क्या प्रोटॉन का तो प्रोटॉन का यहाँ पे पंपिंग होगा जिसकी वजह से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है ये फॉर्म होता है पी एम एफ ये कहाँ पर होता है बेटा तो ये स्ट्रोमा से ल्यूमेन में प्रोटॉन का पंपिंग होगा तो इनसाइड द ल्यूमेन पी एम एफ़ होता है जिससे फाइनली ए का सिंथेसिस होगा ओके इसके पहले का एक लेक्चर है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है जिसमें एक तो अप हील इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है और डाउन हील इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये दोनों भी कंसेप्ट का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया हूँ जल्दी ही मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा आप लोग एक बार ये अपहील और डाउन जो ट्रांसपोर्ट होता है ये एक बार देखोगे काफ़ी अच्छा कंसेप्ट वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ साथ ही साथ उसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्पो क्या होता है ये लेकिन इसके अलावा बेटा काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है स्टूडेंट को वो है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये वाला पोर्शन भी जो है उसी लेक्चर में इंक्लूडेड है जो जल्दी ही यूट्यूब पे पब्लिश हो जाएगा और यूट्यूब पे पब्लिश होने के बाद एक बार आप उस लेक्चर को रिवाइज़ कर लीजिए ठीक है हो सकता है कि आप लोगों ने जिस टाइम पे थेरी क्लास अटेंड किए होंगे उस टाइम पे आप लोगों को हाफ परसेंट पोर्सन ही समझा होगा एक्शन और एब्जॉपन स्पेक्ट्रम का या फिर अप और डाउन इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है क्योंकि ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो इससे रिलेटेड बेटा एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा लेक्चर रेडी है सिर्फ अपलोड करना है रिकॉर्डिंग हो चुकी है बेटा उस लेक्चर की ठीक तो जल्दी से जल्दी ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको हेल्प मिले समझ गए बट फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जो पोर्सन का स्टडी कर रहे हैं वो क्या है बेटा केमीओसमोसिस केमिकल ऑस्मोसिस क्योंकि कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर इसमें भी प्रॉब्लम आता है ओके okay, तो केम्यस्मोसिस की यदि हम बात करें तो देखो केमीओसमोसिस में हो क्या रहा है तो केमीओसमोसिस में जैसे कि सपोज ये एक थालोकॉइड लेमिली है ठीक है ये थाइलोकॉयड मेम्ब्रेन है और थाइलीकोइड मेमरेन्स जो है इसमें यदि हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम टू क्या प्रेजेंट होगा फोटो सिस्टम टू और यहाँ पर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम वन हम जानते हैं बेटा और लास्ट इसमें जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको जो अपलोड करने वाला हूँ उसमें ये वाला पोर्शन मैंने एक्सप्लेन किया हूँ बेटा फोटो सिस्टम टू से फोटोसिस्टम वन के पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं मींस जो कि नॉन साइकिलिकोटोफॉस्फो रिलेशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फ़ोटो सिस्टम वन के पास आएंगे ठीक है तो इसके पहले जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे एक चैनल प्रोटीन होता है जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो प्रोटॉन आयन जो होते हैं ये प्रोटॉन आयन को बाहर साइड जो स्ट्रोमा है और अंदर साइड थाइड का ल्यूमेन है इसको अंदर ये भेज देता है ठीक है मीन्स यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स ओके और ये कंटिन्यूसली इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहे हैं तो कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन जो जब यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है तब इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रोटॉन जो है यहाँ पर एकमुलेट होते रहते हैं जिसकी वजह से अंदर साइड पी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और केमी ऑसमोसिस नाम से हमें समझ में आता है बेटा केमिकल का ऑस्मोसिस हो रहा है यहाँ पर ऑस्मोसिस मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेसन टू अ रीज़न ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन तो जब हाई टू लो जब मॉलिक्यूल का मोमेंट होता है तो ये कैसे होगा तो हाई टू लो जब मॉलिक्यूल का मोमेंट यहाँ पर हो रहा है तो इसमें जो प्रोसेस हो रही है एक्चुअली क्या हो रही है ठीक है तो यहाँ पे हमको एक चीज़ समझ में आती है कि जो मॉलिक्यूल मोमेंट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ये जो मेम्ब्रेन है थाइलोकॉइन मेम्ब्रेन तो ये जो प्रोटोन है डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकते इसको बाहर निकालना है तो यहाँ पे एक प्रोट एक चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है इस तरह से जो बैठा हुआ है यहाँ पर और ये जो चैनल प्रोटीन है क्या करेगा अंदर के प्रोटॉन को बाहर लेके आएगा जिसे हम क्या कहते हैं बेटा एटीपेज जिसका अंदर साइड जो मेम्ब्रेन में होता है सी एफ जीरो होता है और मेमब्रेन के बाहर जो होता है सी एफ वन इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं मीन इंट्रेंसिक प्रोटीन जो प्रोटॉन चैनल की तरह काम कर रहा है सी एफ जीरो और एक एक्सट्रेंसिक प्रोटीन है जो कि पेरीफेरल प्रोटीन है क्या कर रहा है ये बाहर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जो है बहुत कम है और अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिसकी वजह से पी जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया पी क्रिएट होने का रीज़न क्या क्या है किसकी वजह से पी क्रिएट हो रहा है पी एफ एम का मीनिंग समझ रहे हो बेटा प्रोटॉन मोटिव फोर्स कंडीशन नंबर वन जब यहाँ पे हो रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या हुआ यहाँ पर सबसे पहली चीज स्प्लिटिंग हुआ वाटर का तो ऑब्वियसली वाटर का स्प्लिटिंग की वजह से अंदर साइड यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा आ गए दूसरा सेकंड केस अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पंपिंग हो रहा है क्या पंपिंग हो रहा है बेटा H प्लस आयन और ये H प्लस आयन का जो पंपिंग होता है वो एच कैरियर होता है हाइड्रोजन कैरियर इसकी वजह से प्रजेंट होता है और एच प्लस आयन भी जो है यहाँ पे जो आउटर साइड ऑफ स्ट्रोमा यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन को अंदर यहाँ पे ये जो ल्यूमेन है इस ल्यूमेन में भेज देगा और फाइनली देखो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे एन रिडक्टेज एंजाइम होता है जो एन को कन्वर्ट कर देता है एन में जिसकी वजह से बाहर फिर से प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो जाता है और अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होगा ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे थर्ड केस जो आता है वो क्या है एन ए डी पी रिडक्टेज एंजाइम इनका रिजल्ट क्या है दिस रिजल्ट क्या फॉर्म हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ पी एम एफ तो अभी यहां पे इसकी वजह से प्रोसेस क्या होंगे देखो ल्यूमेन के इनसाइड में यदि हम देखें तो ल्यूमेन के इनसाइड में हम देखें तो यहाँ पे H प्लस आयन प्रजेंट है ठीक है और ये यह यहाँ पे इस तरह से ये एक चैनल प्रोटीन है जब H प्लस बाहर आएगा तो ADP पी प्लस फॉस्फेट के साथ ठीक है ये बॉन्ड बना के ए का सिंथेसिस करेगा H प्लस बाहर आएगा तब तो यहाँ पे एक एंजाइम का एक्टिविटी होता है उसे कहते हैं एटीपेज एक्टिविटी हाँ बेटा इसका एनिमेशन मिल जाएगा बट मैं आज आपको नहीं डिस्प्ले कर पाऊंगा बिकॉज वो मेरे हार्ड डिस्क में है और हार्ड डिस्क मेरे पास अवेलेबल नहीं है ठीक है यदि आप चाहते हो कि इसका एनिमेशन मैं आपको दिखाऊं तो या तो मैं कल के लेक्चर्स में आपको एनिमेशन जो है प्ले कर दूंगा और एनिमेशन बेटा दोनों भी प्ले करूंगा मैं कौन सा वाला ए का जो सिंथेसिस जो रेस्पिरेशन में हो रहा है तो ए एंजाइम का रोल क्या है और यहाँ पे जो केमिया ऑस्मोसिस जो हो रही है इसमें किस तरह से रोल होता है तो दोनों भी एनिमेशन जो है कल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बेटा और नहीं दिखा पाया तो मैं आपको डायरेक्टली उसका जो एनिमेशन है अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो ओके okay. चलो तो यहाँ पे ये ए टीपेज एक्टिविटी की हेल्प से हम लोग जो है क्या एटीपी का सिंथेसिस जो है वो हम देख सकते हैं ठीक है तो एटीपी टी का सिंथेसिस कैसे हुई ये यह हमें यहाँ पे समझ में आता है फिर नेक्स्ट इसमें हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो प्रोसेस जो हो रहा है तो इसमें केमीओसमोसिस का जो प्रोसेस हुआ मीन्स यहाँ पे क्या क्या हो रहा है केमियोस्मोसिस के लिए किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है पहला क्वेश्चन तो यही है कहीं पर भी केमियोस्मोसिस नहीं होगा केमियोस्मोसिस की जो प्रोसेस है यदि हम इसकी रिक्वायरमेंट देखें तो पहली चीज़ तो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड रहेगी एक मेम्ब्रेन चाहिए क्योंकि मेम्ब्रेन के बिना ऑस्मोसिस नहीं होता आप जानते हो ठीक है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस होगा सेकंड थिंग प्रोटॉन सेल के अंदर है मेम्ब्रेन के अंदर है इसको फोर्स करके बाहर निकालना है तो उसको फोर्स करके बाहर निकालना है तो उसके लिए भी एनर्जी लगेगी और एनर्जी यूटिलाइज जो होगा प्रोटॉन की पंपिंग के लिए और फाइनली कब होगा ये तब जब प्रोटॉन मोटी फोर्स जनरेट होगा क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा इधर कम है मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं आसानी से समझ रहे हो ऐसा होगा और फाइनली लास्ट में एक एंजाइम चाहिए जिसे एटीपेज एंजाइम कहते हैं क्या कहते हैं एटीपेज एंजाइम ठीक है जिससे एटीपी का सिंथेसिस होगा साथ ही साथ देखो क्या होता है यहाँ पे टू एस टू ओ मॉलिक्यूल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है और दो एस टू ओ जब रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिलीज होता है इसी से फोर इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलते हैं इसी से आठ फोटोन का रिक्वायरमेंट रहेगा जब एस टू मोलिक्यूल को तोड़ना है तो फाइनली इससे टू एन ए डी पी एच का फॉर्मेशन होगा फाइनली इससे तीन ए टी पी का सिंथेसिस होता है और जब ये सिंथेसिस होता है तब जाके यहाँ पे वन सी ओ टू मोलिक्यूल जो है इसका फिक्सेशन होता है जिसे सी सिक्स एस ट ओ सिक्स के फॉर्मेशन के लिए हेल्प मिलती है तो देखो बेटा एक एस टू का जब स्प्लिटिंग होता है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ये सारा कंसेप्ट जो है ये मैंने आपको समझाया और इस कंसेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एन सी आर टी ने डायरेक्टली इसके स्टेटमेंट को नहीं बताया है ठीक है लेकिन इसका मेन जो है प्रोसेस ऐसा ही होता है यहाँ पर तो ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए ओके तो अब यहाँ पे केमीओसमोसिस को यदि हम समझें तो क्या हो रहा है बेटा ए का सिंथेसिस हो रहा है और ए टी की सिंथेसिस किस पर डिपेंड करती है प्रोटोन मोटिव फोर्स पे अब प्रोटोन मोटिव फोर्स जो है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है हम लोगों ने रेस्पिरेशन पढ़े हैं वहाँ पे होता है और दूसरा यही चीज़ हम लोग देखें तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट में थाइलोकॉय मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है प्रोटॉन एकुबलेट होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन तब जाके यहाँ पे फाइनली ये जो है ए का सिंथेसिस होगा कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है क्या चीज जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उस टाइम पे कितने क्या कह सकते हैं हम लोग एच प्लस जो है वो जाएंगे कहाँ पे बाहर से अंदर बाहर से अंदर मतलब था ल्यूमेन में ये देखो ये पिक्चर से समझेगा आपको कि जैसे कि सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कितने H प्लस यहाँ से अंदर आएंगे ये कॉम्प्लेक्स है साइटोक्रोम बी सिक्स एफ कॉम्प्लेक्स हाँ समझे हाँ बेटा तेजस्विनी समझ गए तो अब यहाँ पे देखो हमेशा याद रखना कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा तो टू एच प्लस जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बाहर से टू एच प्लस आयन जो है वो अंदर आ रहा है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को यहां पे स्लाइड में एक पार्ट समझाया कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं बेटा फोर इलेक्ट्रॉन और एक वाटर को स्प्लिट करना है तो कितने फोटोन या क्वांटम हम कह सकते हैं लाइट के फॉर्म में चाहिए वो एट फोटोन चाहिए तो फोर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पंप होंगे और जब फोर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पंप हो रहे हैं तो फोर इलेक्ट्रॉन की पंपिंग की वजह से फाइनली यहाँ पे कितने प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं बेटा एट एच प्लस आयन जो है ये इनसाइड में ट्रांसपोर्ट होता है कितने एट एच प्लस तो एट एच प्लस तो ये वाले हो गए लेकिन ये बताओ जब वाटर स्प्लिट हुआ तो यहां से कितना एच प्लस यहां पर आएंगे जल्दी से बता दो नहीं बेटा कल्याणी दो कैसे होंगे टू एच टू है यहां पर ट्वेल्स एच टू की बात हो रही है तो फोर एच प्लस यहां पर आएंगे तो टोटल कितने एच प्लस हो गए यहां पर ट्वेल्व प्रोटॉन हो गए तो यहां पे ट्वेल्व प्रोटॉन जो है वो क्या हो रहे हैं एक्मलेट हो रहे हैं समझे और इस ट्वेल्व प्रोटॉन जो है इससे तीन एटीपी का सिंथेसिस होगा कितना एटीपी फॉर्म होने वाला है बेटा इससे थ्री एटीपी का फॉर्मेशन होगा कैसे तो देखो फोर एच प्लस जो है ये वन एटीपी देता है तो ट्वेल्व एच प्लस जो है ये थ्री एटीपी देगा बट यही चीज़ आप आपके रेस्पिरेशन में देखेंगे ठीक है तो वहाँ पे आपको 2H+1ATP एच प्लस वन देता है ऐसा आपके एन ने कहा है तो आप लोग बेटा आपके एन के अकॉर्डिंग जाइए और 2ATP, 2H 1, 2H+1ATP प्लस वन फॉर्म कर रहा है ये याद रखोगे समझे बेटा तो ये याद रखना है तो अब देखिए केमीओसमोसिस क्या होता है ये हम लोग देख लेते हैं तो केमीओसमोसिस मीन्स ये एक्सप्लेन कर रहा है एक मैकेनिज्म्स किस चीज़ की जिसमें एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में केमीओसमोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ आयन एक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी केमियोस्मोसिस को चाहिए नीड होता है मेम्ब्रेन किस चीज़ के लिए बेटा प्रोटॉन पंप के लिए मतलब एक मेम्ब्रेन चाहिए प्रोटॉन पंप चाहिए ताकि अंदर के प्रोटॉन को बाहर पंप किया जा सके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये भी फॉर्म होगा एक्रॉस था मेम्ब्रेन और एटीपी के सिंथेसिस करना है तो उसके लिए एटीपी सिंथेटेज जो है इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है और वाटर को स्प्लिट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए बेटा फोटोन यहां पे फोटोन नहीं दिया सॉरी क्या चाहिए वाटर को स्प्लिट करना है तो क्या चाहिए फोटोन चाहिए तो अभी यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है यह कहा इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन जिससे प्रोटॉन एकट होते हैं ल्यूमेन ऑफ द तो यहां पे इस डायग्राम में एटीपी का सिंथेसिस जो है केमियोस्मोसिस के थ्रू कैसे होता है ये एक्सप्लेन किया है ओके okay. तो अभी यहां पे जब इलेक्ट्रॉन्स जो है ठीक है जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो देखो जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं फोटो सिस्टम ये फोटो सिस्टम टू से फोटो सिस्टम वन तक के जाएंगे ठीक है तो इस टाइम पे एच प्लस जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है ये जो प्रोटॉन रिमूव होता है स्ट्रोमा से वो अंदर आता है तो इसमें कुछ रीजंस यहां पे एक्सप्लेन किए हुए हैं ठीक है एक हाँ। मिनट बेटा चलो ओके तो यहां पे इतना पार्ट समझ में आएगा बेटा एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो एवरीथिंग इज क्लियर हाँ प्रोटॉन देखिए बेटा दो जगह से आ रहे हैं एक तो स्ट्रोमा से भी आ रहे हैं यहाँ पर दूसरा यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे कुछ प्रोटॉन यूज हो जा रहा है तो इसकी वजह से इधर प्रोटॉन कम रहेंगे और अंदर में प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे जिसकी वजह से पी एमएफ यहाँ पे जनरेट होता है प्रोटॉन मोटिव फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है तो देखो सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो लोकेटेड है कहाँ लोकेटेड है बेटा टुआर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड ये ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन टू एन एच कैरियर ठीक है आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इसने एच कैरियर के पास जब इलेक्ट्रॉन भेजा ठीक आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन के बाहर नहीं बेटा आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन यहाँ पे हो सकता है तो इसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल है अपने प्रोटॉन को क्या करेगा रिमूव कर देता है ठीक है तो प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा से ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है मतलब प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा से आ रहा है कब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन ये आगे के इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल को चला जाएगा लेकिन जो प्रोटॉन है वो स्ट्रोमा से थैलिकॉइड ल्यूमेन में अंदर आ जाता है ठीक है ये स्टेटमेंट बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है तो ये याद रखेंगे बेटा ये फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रॉन जब मूव हो रहा है फोटो सिस्टम से तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द मेम्ब्रेन और ये जो हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है रिमूवल प्रोटॉन फ्रॉम स्टोमा तो इसमें कुछ रीजन्स आएंगे जिसमें एन ए डी पी रिडक्टेज एंजाइम होगा जो लोकेटेड होता है साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम पी एस वन प्रोटॉन आर नेसेसरी टू रिड्यूस देखो अब ये आपको ऐसा नहीं समझेगा यहाँ पे ये यह देखो पी एस टू से इलेक्ट्रॉन पास होके फाइनली पी एस वन के पास आया फिर यहाँ पे एन ए डी पी रिडक्टेड एनजा में जो एन ए डी पी को एन ए डी पी एच में कन्वर्ट कर रहा है मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है ओके okay. जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन ने इसको एनर्जी दे दिया जिसकी वजह से एन जो है कन्वर्ट हो जाता है एन ए एच में जिसकी वजह से स्ट्रोमा साइड में एच प्लस कुछ कम हो गए और अंदर साइड एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया मतलब यहाँ पे एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और ये जितना भी बाहर वाला जो पोर्शन आप जो देख रहे हो यहाँ पे एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा समझे एक केस कंडीशन यहाँ पे बनती है और फाइनली इस तरह से प्रोटॉन हम देखें जो स्ट्रोमा में है तो वो होगा डिक्रीज बट ल्यूमेन की हम बात करें यहाँ पे तो प्रोटॉन एकोमलेट हो गए जिससे क्रिएट हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट थालोकॉइड मेम्ब्रेन में और जितने H प्लस ज़्यादा रहेंगे पी कम हो जाता है बेटा ल्यूमेन में तो ब्रेकडाउन और प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है उसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस होता है वहाँ पे एंजाइम काम करता है एटीपी टी थेज एंजाइम तो इसके हेल्प से जब प्रोटॉन बाहर आते हैं देन फाइनली यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है क्या होता है बेटा यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं किसी को कुछ डाउट आ रहा है एन बेटा प्रोटोन रिलीज नहीं करेगा तेजस्वी एन जो है डायरेक्टली ये यूज होगा हमारा जो थ्री पी फॉर्म होगा उसके रिडक्शन में थ्री पी का रिडक्शन होता है बेटा वहाँ पे होता है ठीक है मुझे दो मिनट का टाइम दो बेटा ठीक वेट करो दो मिनट मैं आया ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा तो यहाँ पे तेजस्वी ने बेटा फिर से बताना है कुछ कौन सा पार्ट नहीं समझा बताओ मैं अगेन रिवाइज करवा देता हूँ कौन सा पोर्शन नहीं समझा है आपको प्रोटॉन एकोमिलेशन वाला हाँ बेटा देखो प्रोटॉन एकोमलेट कैसे हो रहा है इसका रीजन क्या है यहां पे जो प्रोटॉन एकोमलेट हुआ इसके तीन रीजन है बेटा फर्स्ट रीजन यहां पे देखो आपको वाटर स्प्लिट होते हुए दिख रहा है ये वाटर स्प्लिट जब होगा तो यहाँ पे ये होता है ट्वाइस एस टू ओ तो जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो इसमें फोर इलेक्ट्रॉन और फोर प्रोटॉन जो है ये यहाँ पे रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के हेल्प से इधर आगे पास हो जाएंगे प्रोटॉन कहाँ जाएंगे तो प्रोटॉन बेटा थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में जाते हैं केस नंबर वन जिससे यहाँ पे प्रोटॉन एकुमलेट हुआ समझा फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है थैलीकोड ल्यूमेन में और कहाँ से आ रहे हैं तो ये बेटा हमारा स्ट्रोमा वाला जगह है तो इस्टोमा साइड से प्रोटॉन अंदर आते हैं कब आते हैं जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर के हेल्प से आगे जाता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कैरियर होता है ये उसको एनर्जी देता है तो जो हाइड्रोजन कैरियर है ये प्रोटोन यहाँ से अंदर फेंक देता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे पास हो जाते हैं तो सेकंड केस यहाँ पे फिर से H प्लस आई का कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो गया थर्ड केस यहाँ पे यह आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब फाइनली लास्ट में पहुँचते हैं फोटो सिस्टम वन से होते हुए एन रिडक्टेज एंजाइम के पास तो ये एन को एन ए में कन्वर्ट कर दिया तो ये एन से एन में कन्वर्ट हुआ तो ऑब्वियसली स्ट्रोमा में कुछ प्रोटॉन रहे होंगे उसको यूज करेगा तभी एन ए तो बाहर साइड जो है अल्टीमेटली एच प्लस आई का कंसेंट्रेशन कम हो गया और अंदर साइड जो है एच प्लस आएन का कंसेंट्रेशन क्या हो गया ज्यादा हो गया समझ गए समझा गया बेटा ओके समझा इस तरह से होता है बेटा ये चलो वेरी गुड तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है स्ट्रोमा में डिक्रीज हो गया और ल्यूमेन में प्रोटॉन एकूमलेट हुआ अब ज़्यादा प्रोटॉन यहाँ पे आ गए तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन ग्रेडिएंट जो है थैलीकोन मेम्ब्रेन के अंदर बन गया और हम जानते बेटा जितने ज़्यादा एच प्लस इधर रहते हैं वहाँ पे पीएच जो होता है वो क्या होता है वो डिक्रीज हो जाता है हो गया ना पीएच डिक्रीज फिर यहाँ पे ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स को ब्रेक करना है तो ये प्रोटॉन को बाहर निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे एटीपी पेज अन्य में जिसके पास एफ वन एफ जीरो होता है पढ़े हम लोगों ने पढ़े है ना एफ जीरो जो है वो कहाँ होता है मेम्ब्रेन के अंदर एफ वन जो होता है वो कहाँ होता है मेम्ब्रेन के बाहर ठीक है तो ये जो है ये क्या करेगा अभी ये जब प्रोटोन को यहां से बाहर निकालेगा तो इसकी जो एनर्जी है वो यूज होकर के ए का सिंथेसिस कर देता है क्या कर देता है ए का सिंथेसिस कर देता है तो इस तरह से यहां पर जो है ये प्रोसेस होती है क्लियर हो गया तो अब देखिए यहां पे एक कैलकुलेशन में बता रहा हूं आपको कितने क्वांटम क्वांटम जानते हो क्या होता है फिजिक्स आप पढ़े हुए से क्वांटम फोटोन कितने क्वांटम की रिक्वायरमेंट होगी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए बताइए ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए कितना क्वांटम चाहिए बेटा ये पहला क्वेश्चन है या फिर दूसरा क्वेश्चन यह है कि कितने नंबर ऑफ फोटोन कितने नंबर ऑफ फोटोन जो है उसका रिक्वायरमेंट होता है ठीक है ये अब देखिए बेटा ये पोर्शन आपके एनसीआरटी में नहीं दिया है और आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है सिर्फ आप ये पार्ट को अटेंड कर लो और एक बार रिवाइज कर लेना सिर्फ देख लेना ऊपर ऊपर ठीक है इसकी हेल्प से आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेंगे और एग्जाम में आने वाले दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ इस पोर्शन की वजह से क्लियर हो जाएंगे तो देखो हम जानते बेटा ट्वाइस एस टू ओ रहेगा और जब हम इसको स्प्लिट करते जब हम इसको ब्रेक करेंगे तब जबकि के वन ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होता है समझे और वन ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो इसके लिए क्या था बेटा वन ऑक्सीजन रिलीज होगा तो इस टाइम पे फोर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हुआ था कि नहीं फोर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ तब याद है आपको नहीं है ये देखिए इसके पहले ये जो फोटो सिस्टम जो होता है ये पढ़े होंगे आपने तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे फोटो सिस्टम टू होता है और ये फोटो सिस्टम वन है ये फोटो सिस्टम टू में जब एस टू ओ को तोड़ा तो एक एस टू ओ टूटा तो दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो प्रोटॉन तो एक ऑक्सीजन बाहर आया जब ट्वाइस एस टू ओ जब स्प्लिट होगा तब जाके कंप्लीट एक मॉलिकुलर ऑक्सीजन रिलीज होता है लेकिन इसके लिए कितने बेटा फोर इलेक्ट्रॉन और फोर प्रोटॉन ये भी रिलीज हो रहे हैं बेटा मैं एनसीआरटी के बाहर कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको सारा कुछ एनसीआरटी ही है समझे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी यहाँ पे एक ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए फोर इलेक्ट्रॉन का हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ओके okay. तो अब यहां पे हम लोगों को यदि एक जो है इलेक्ट्रॉन जो है यदि इसे ट्रांसफ़र करना है ठीक है यदि वन इलेक्ट्रॉन जो है यदि इसे हमें ट्रांसफ़र करना है तो वन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पी एस टू को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा और पी एस वन को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा दोनों का एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे और पी एस टू या पी एस वन इसका एक्टिवेशन जो होता है तो हमेशा याद रखना बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए दो फोटोन की नीड होती है कितना दो तो हम लोग यहां पे फोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कितना फोटोन चाहिए एट फोटोन चाहिए कितना एट फोटोन अगेन एक और पार्ट जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है ठीक है तो केमियोस्मोसिस का फाइनली यदि हम कंक्लूजन देखे तो क्या हुआ यहां पर तो कंक्लूजन यह है कि ट्वाइस एस था इसने वन ऑक्सीजन रिलीज किया कर दिया वन ऑक्सीजन रिलीज साथ ही साथ इसने फोर इलेक्ट्रॉन भी रिलीज किया क्या रिलीज बेटा इसी के साथ साथ यहाँ पे टू एन ए डी पी एच ये भी बनाया इसी के साथ साथ यहाँ पे थ्री ए टी पी का भी सिंथेसिस होगा कैसे क्योंकि ट्वेल्व एच प्लस एक्मलेट हो रहे हैं Osionfish. तो आप जब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्पो रिलेशन जब देखते हो ना तो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली एटीपी बनता है ऐसा बता दिया बट ये डायरेक्टली एटीपी ऐसा फॉर्म नहीं होता है ठीक है एक तो यहाँ पे एटीपी बन रहा है जो कि आप नॉन साइक्लिक में देख रहे हो और यही चीज़ आप यहाँ पर देखोगे नेक्स्ट इसमें जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्पो रिलेशन हो रहा है ठीक है तो यहाँ पर भी ए टी फॉर्म हो रहा है तो ये डायरेक्टली ए फॉर्म होगा क्या नहीं डायरेक्टली नहीं बनता है याद रखोगे तो कितना ए टी बना बेटा थ्री एटी बना इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी किसने एट फोटोन की रिक्वायरमेंट थी समझ में आ गया और इसके बाद जब इतना जो पार्ट हुआ तो इससे वन सीओ टू मोलिक्यूल जो है ये जो कि सी थ्री प्लांट जो होते हैं ठीक है उसमें क्या होगा वन सीओ टू मोलिक्यूल का फिक्सेशन भी होगा तो एट फोटोन रिक्वायर्ड होते हैं वन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए ये चीज याद रखना है तो क्वांटम एल्ड जो होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ठीक है ये होता है तो एस टू स्प्लीट होके ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और फोटोन फोर इलेक्ट्रॉन फिर एन पी जो होता है ये सारा और फाइनली एन ए डी पी टू अब क्वेश्चन अगेन एक और है बेटा यहाँ पे दो एनडीपी एच टू जो फॉर्म होंगे तो टू एनएडीपीएच जो फॉर्म होंगे इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे अच्छे से समझ गया वेरी गुड ग्रेट एक और क्वेश्चन यहां से भी आता बेटा ये जो फॉर्म हो रहा है ठीक है नेक्स्ट स्लाइड पे दे देता हूं टwice एनएडीपीएच जो है ठीक है ये फॉर्म हुआ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है जानते हो आप कितना होता है ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना ये एन में थेरी में नहीं बताया बेटा लेकिन ये एन के डायग्राम में सारी चीज़ें हैं और आप लोग सोचोगे कि ये सब एन के बाहर का है तो आप छोड़ के आ जाओगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन जब पूछ लिए ना तो फिर आप कहाँ जाओगे बताओ तो रिस्क नहीं लेना है ये छोटी सी चीज़ें हैं सिर्फ एक बार देख लेना है हम लोगों को समझे तो ऐसी बेटा ये जो इसके पहले वाला एक लेक्चर है कौन सा जिसमें साइक्लिक नॉन साइकिल फोटोफॉस्फोरेशन मैंने समझाया हूँ ठीक है साइक्लिक और नॉन साइकिल फोटोफॉस्फोरेशन अपहील डाउन हिल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है और इसी के साथ साथ क्या चीज एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉपन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये वाला एक बार आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा बेटा ठीक है ये रिकॉर्डिंग है इसकी अवेलेबल वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए तो क्वेश्चन ये है कि टू एन ए के फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर आते हैं बेटा ये वाला पार्ट तो इसको समझने के लिए मैंने वही कहा है कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर जो है आप लोगों के लिए रेडी कर रखा हूँ तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है तो ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये एक्सेप्ट करता है और फाइनली फोटो सिस्टम वन के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट करता है और एन ए डी पी रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से एन ए डी पी जो है एन ए डी पी एच में कन्वर्ट करता है इसके लिए टू इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं कितने टू इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं याद रख लेना ये चीज कितने इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है ठीक है तो एन के लिए टू इलेक्ट्रॉन नीड है जिससे फॉर्म होता है फाइनली ट्वाइस ओके, तो ये भी एक कंसेप्ट है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हेल्पफुल रहेगा समझ में आ गया क्लियर हो गया बेटा ये वाला पार्ट सभी लोगों को अभी किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो वन हाँ, h के लिए वन इलेक्ट्रॉन रहेंगे चलो वेरी गुड समझ में आ गया ग्रेट चलो तो अभी यहां पे मुझे आप लोगों का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो इसी के जस्ट बाद वाला पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कैसे होता है और कैलविन साइकिल जो है क्या होती है ये हमें समझना है ठीक है सी थ्री और सी फोर पाथवे बट बीच में हम स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा ठीक तो कल मॉर्निंग में आठ बजे लूंगा वाला पोर्शन में तो जितने स्टूडेंट को भी कैलविन साइकिल अटेंड करना है वो लोग कल मॉर्निंग में एट ओ का जो क्लास है हमारा उस टाइम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि कैलविन साइकल में भी कुछ कैलकुलेशन है बेटा जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं बोर्ड का क्लास रहता है कितने बजे से रहता है बेटा बोर्ड का क्लास आठ बजे से ही रहता है कल है क्या है, अच्छा चलो तो कोई बात नहीं तो एक काम करते हैं उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो चाहो तो चलेगा